चंडीगढ़ के मेयर राजेश कालिया की एक दिलचस्प कहानी सामने आई है। राजेश कालिया हाल ही में चंडीगढ़ के मेयर बने हैं और वे वाल्मीकि संप्रदाय से संबंधित हैं और कहा जाता है कि जमाने में वे कचरा बीनते थे और उससे उन्हें 20 से लेकर 30 रुपए प्रति दिन की आमदनी होती थी। राजेश कालिया के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने धीरे धीरे कई आंदोलनों में हिस्सा लेना शुरू किया और उनकी पकड़ धीरे धीरे बनती चली गई। बेहद गरीब परिवार से संबद्ध राजेश कालिया के जीवन में एक ऐसा मोड़ भी आया जब वे चंडीगढ़ जैसे शहर के मेयर चुन लिए गए। उन्हें 20 में से 16 मत मिले और वे चंडीगढ़ के प्रथम नागरिक बन गए। कुल मिलाकर अब उनकी प्राथमिकता यह है कि वे चंडीगढ़ को पूरी तरह से गंदगी और कूड़े से मुक्त देखना चाहते हैं। राजेश कालिया कहते हैं कि कहाँ तो मैं एक बार कूड़े के ढेर हटाता था, कूड़ा बीनता था और कचरा यहाँ से लेकर वहाँ तक पटकता था, लेकिन अब पूरे शहर की जिम्मेदारी मेरे पास आ गई है। उनके भाग्य ने ऐसी करवट ली कि वे देखते ही देखते एक मामूली सफाई कर्मी से चंडीगढ़ जैसे शहर के मेयर बन गए। जी हाँ, जब किस्मत बदलती है तो ऐसा ही होता है जैसा राजेश कालिया के साथ हुआ है। और अब राजेश कालिया का पहला सपना यही है कि चंडीगढ़ को पूरे देश में सफाई के मामले में, स्वच्छता के मामले में पहले नंबर पर लाया जाए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।